हेलो दोस्तों, आज हम बताएंगे इनकम टैक्स बारे में। हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं जिसकी एज 60 साल से कम है उसके ऊपर कितना टैक्स लगता है। आज हम बताएंगे अगर किसी की एज 60 साल से ज्यादा है तो उसके ऊपर कितना टैक्स लगता है। देखिए, किसी भी व्यक्ति पर टैक्स लगाने के लिए सरकार तीन स्टेप लेती है। तीन स्टेप मतलब अगर किसी की आय 5 लाख से कम है तो उसका टैक्स कितना होगा, और फिर 5 लाख से ज्यादा है, 10 लाख से कम है तो कितना टैक्स होगा, और फिर 10 लाख से ज्यादा है तो कितना टैक्स होगा। तीन लिमिट सरकार ने बनाया है। आइए देखते हैं अगर किसी की एज 60 साल से ज्यादा है तो उसके ऊपर कितना टैक्स लगता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, मान लीजिए किसी की टोटल इनकम पलंग लेते हैं 5 लाख। मैं ले लिया कि टोटल इनकम कितना है 5 लाख। 5 लाख या 5 लाख से कम, किसी की इनकम टोटल इनकम 5 लाख या 5 लाख से कम है तो उसके ऊपर कितना टैक्स लगना चाहिए, ध्यान दीजिए। अब देखिए, इस पे जब टैक्स लगाते हैं तो पहले टैक्स ऑन रुपीज 3 लाख, 3 लाख पर नो टैक्स। इसका अर्थ समझ आपने, अगर कोई व्यक्ति 5 लाख कमाया या 5 लाख से कम आया तो पहले 3 लाख सरकार ने छूट दे दिया। ये 3 लाख छूट क्यों दे रही है, क्योंकि इसमें एज कितना माना गया है, 60 साल से या 60 साल से ज्यादा। फिर सुनिए, किसी की एज 60 वर्ष है या 60 वर्ष से ज्यादा है तो उसे 3 लाख तक का छूट मिलता है, अर्थात जितना कमाएगा उसमें से सरकार 3 लाख छूट दे देगी। अब 5 लाख में 3 लाख घटा दीजिए, कितना बच गया, 2 लाख। 2 लाख पर कितना टैक्स हो, देखिए टैक्स ऑन रुपीज 2 लाख, 2 लाख पर कितना टैक्स होगा, 5%। कितना हो जाएगा, 5%। तो 2 लाख का 5% कितना आ गया, 10,000। क्या सुन पा रहे हैं, अगर किसी व्यक्ति ने 5 लाख कमाया और उसकी एज 60 साल या उससे ज्यादा है तो उसे कितना छूट मिलेगा, 3 लाख। पिछले वीडियो में बताया था कि वहां छूट में 3 लाख का साल पर 2.5 लाख दिखा था। क्यों, अगर आपकी एज जिसके ऊपर टैक्स लग रहा है उसकी एज 60 साल से कम है तो जो 3 लाख आप दे रहे हैं वहां पर कितना छूट मिलेगा, 2.5 लाख का। अगर 60 साल या 60 साल से ज्यादा है तो कितना छूट है, 3 लाख का। तो 5 लाख में 3 लाख निकाल दिया, बचा कितना, 2 लाख, उस पर कितना हो जाएगा, 5%, 10,000। अब ये टोटल ले लीजिए, टोटल कितना आ गया, 10,000। अब हमने पिछली वीडियो बताया था धारा 87A के अंतर्गत आपको छूट मिलता है। ये छूट किसको मिलता है, जिसकी इनकम 1 साल में 5 लाख या 5 लाख से कम है उसे सरकार धारा 87A के अंतर्गत 12,500 का छूट देती है। एक बार फिर सुन लीजिए, जिसकी इनकम 1 साल में 5 लाख या 5 लाख से कम है, 5 लाख या 5 लाख से कम है उसे धारा 87A में 12,500 का छूट मिलेगा। अब यह देखिए, इनकी इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं है, 5 लाख है या 5 लाख से कम है तो इन्हें कितना छूट मिलेगा, 12,500 प्लस डिडक्शन अंडर सेक्शन। अंडर सेक्शन 87A कितना छूट मिलता है, 12,500। ध्यान दीजिए, आपका टैक्स कितना बन रहा था, 10,000, और छूट सरकार कितना दे रही, 12,500, अर्थात 12,500 तक छूट है। भाई अगर आपका इनकम है, जो टैक्स आपका टैक्स है 12,500 से कम है, 12,500 से कम है तो आपको नो टैक्स, कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा,
आपका टैक्स निल हो गया, टैक्स पेड निल, आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अभी आपने देखा अगर इनकी 5 लाख या उससे कम इनकम हो तो कैसे टैक्स लगेगा। आइए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, अगर किसी का इनकम 5 लाख से ज्यादा हो तो कितना टैक्स देना पड़ेगा। याद रखिए तीन कंडीशन होता है, मैंने बताया ना तीन कंडीशन होता है, कौन कौन, अगर 5 लाख या उससे कम है तो कितना टैक्स लगेगा, और 5 लाख से ज्यादा है लेकिन 10 लाख से कम है तो कितना टैक्स होगा, और 10 लाख से ज्यादा है तो कितना टैक्स होगा। अभी आपने देखा 5 लाख, आइए हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं, अब यहां देखिए हमने मान लिया किसी की इनकम 9,95,000, 10 लाख से कम, 10 लाख से कम, 10 लाख से कम है तो कितना टैक्स देना पड़ेगा, वही कैसे लगाएंगे, पहले 3 लाख पर नो टैक्स, 3 लाख पर नो टैक्स, फिर 2 लाख निकालेंगे, 2 लाख कितना लगाएंगे 5%, कितना आ गया ये 10,000। अब कितना बचा 9,95,000 में पहले 3 लाख निकाल दिया फिर 2 लाख निकाल दिया, अब बचा कितना टैक्स ऑन, टैक्स ऑन रुपीज कितना बच गया भाई, 3 × 5 4,95,000, 4,95,000, इस पर कितना लगेगा 20%, कितना हो गया 20%, इसका 20% निकालिए कितना आएगा 99,000, 99,000 2×10 × 18 × 9। अब देखिए ये कितना हमें जोड़ करके, जोड़ दीजिए ये आ गया 1,09,000। फिर से जाए इसको, इसको फिर से देखिए टोटल कितना कमा 9,95,000, उसमें से 3 लाख पर कोई टैक्स नहीं, और फिर कितना निकालेंगे 2 लाख, 2 लाख पर 5%, फिर कितना बचा 4,55,000, 9,55,000 से 3 लाख निकल गया, 2 लाख निकल गया, बचा कितना 4,55,000, इस पर कितना होगा 20%, 99,000, टोटल टैक्स कितना हो गया 1,09,000। ध्यान दीजिए क्या इनको धारा 87A में छूट मिलेगी, अभी बताया ना धारा 87A में 12,500 तक छूट है, लेकिन छूट किसके लिए है, जिसकी इनकम 5 लाख से कम हो, 5 लाख से कम हो, यहाँ तो 5 लाख से ज्यादा है तो ये जो छूट था ये छूट नहीं मिलेगा, 12,500 का छूट नहीं मिलेगा क्योंकि इनकी टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा होगी। अब देखिए ये टैक्स आ गया 1,09,000, 1,09,000, अभी सरकार टैक्स पर भी टैक्स लगाती है, टैक्स पर भी टैक्स लगाती है जिसे कहते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर कहते हैं, ये कितना लिखिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ये कितना लगता है 4%, 1,09,000 का 4%, 1,09,000 का 4% कितना आ गया 4,360। अभी जोड़ दीजिए कितना हो गया 1,13,360। आप देखिए अगर कोई व्यक्ति साल में 1,13,360 टैक्स लग जाएगा, ठीक है। अभी आपने देखा दो दिखाया, अभी पहले दिखाया अगर 5 लाख से कम हो तो क्या नियम है, और 5 लाख से ज्यादा है और 10 लाख से कम है तो क्या नियम है। अब आइए एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, अगर कोई 10 लाख से ज्यादा कमाए तो कितना टैक्स देना पड़ेगा। याद रखिए तीन स्टेप है, तीन स्टेप देते हैं, देखिए आइए अब हम मान लेते हैं अगर किसी की इनकम 10 लाख से ज्यादा, चलिए कोई एग्जाम्पल लेते हैं 10 लाख से ज्यादा, आइए हम 18 लाख लेते हैं, 18 लाख, किसी की इनकम 10 लाख से ज्यादा हो तो कितना टैक्स देना पड़ेगा। आइए अब 18 लाख ले लिया आपने, फिर वही स्टेप चलेगा,
पहले 3 लाख पर नो टैक्स, पहले 3 लाख पर नो टैक्स। अब फिर 3 लाख के बाद कितना निकालेंगे, 2 लाख, 2 लाख पर 5%, कितना आ गया ये 10,000। फिर कितना निकालेंगे, 5 लाख, फिर कितना लेंगे 5 लाख, 5 लाख को कितना होगा 20%, यानी 1 लाख। ये स्टेप आपको याद करना पड़ेगा, पहले 3 लाख पर नो टैक्स, 3 लाख के बाद 2 लाख निकालते हैं, 3 लाख के बाद 2 लाख, उस पर कितना आएगा 5%, कितना आ गया 10,000। इसके बाद कितना निकालेंगे 5 लाख, ये 5 लाख क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि इनका इनकम 10 लाख ज्यादा है, इनका टोटल इनकम 10 लाख से ज्यादा है, तो आप कितना निकालेंगे 5 लाख, उस पर कितना आ गया 1 लाख। अभी कितना बच गया, अभी कितना बचा टैक्स ऑन रुपीज, कितना बच गया 8 लाख, कितना हो गया ये 8 लाख, 8 लाख पर कितना लगेगा 30%, 8 लाख पर 30%, कितना आ गया 2,40,000। अभी जोड़ दीजिए, कितना आ गया ये 3,50,000, ये आ गया टोटल टैक्स, कितना आ गया 3,50,000। ये स्टेप बाय स्टेप सरकार टैक्स लगाती है, ऐसा नहीं है टोटल पे इकट्ठा टैक्स लगा दे, भाई जो जितना कमा उसमें पहले 3 लाख निकाला, फिर 2 लाख निकाला, फिर 5 लाख, ये 3 स्टेप याद करना होगा आपको, पहले 2 लाख निकालना है, 3 लाख निकालना है, फिर 2 लाख निकालना है, फिर 5 लाख निकालना है, फिर जो बच जाए उस पर कितना आ जाएगा 30%। अब सुनिए, इस पर भी सरकार टैक्स पर टैक्स लगाती है, जिसे कहते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। देखिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, शॉर्ट कर लिख दिया हमने हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ये कितना आ गया 3,50,000 पे कितने परसेंट, 4%, कितना आ जाएगा ये 14,000। अभी जोड़ दीजिए, जोड़ कितना आ गया ये टैक्स पेबल, टैक्स पेबल 3,64,000, 3,64,000। आप सोच सकते हैं अगर किसी ने 1 साल में 18 लाख कमाया तो उसे 3,64,000 तो टैक्स में ही चला जाएगा, कितना बचेगा उसका। अब ये टैक्स जो नौकरी कर रहे हैं, मतलब जो नौकरी नहीं करने की बात अलग है, ये जो नौकरी करते हैं ना उनकी सैलरी में लास्ट में वो जनवरी फरवरी मार्च जो लास्ट आता है मार्च, तो उसमें लास्ट में सरकार करती क्या है, उनके वेतन में से पूरा टैक्स काट लेती है, मांगती नहीं है, टैक्स काट कर ही तब सैलरी देती है, ये नहीं करती सैलरी देने के बाद टैक्स मांगा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं करती, सैलरी में से ही ये टैक्स काट कर को उनको फार्म 16 दे देंगे, फार्म 16 में लिखा रहेगा खा इनका टैक्स कट चुका है, जिसे हम कहते हैं TDS, उतना काट करके तब उनको सैलरी मिलती है। तो आपने देखा 3 स्टेप ना, 5 लाख से कम है तो कितना टैक्स होगा, 5 लाख से ज्यादा है लेकिन 10 लाख से कम है तो कितना टैक्स होगा, और 10 लाख से ज्यादा है तो कितना टैक्स होगा। आपने क्या देखा, यहाँ इनको कितना छूट था 3 लाख। आइए हम लास्ट बताते हैं, अगर किसी की उम्र 80 साल से ज्यादा हो तो कितना टैक्स लगेगा, याद रखिए सरकार ने तीन एज लिमिट रखी है, 60 साल से कम है तो उनका टैक्स कुछ अलग लग रहा है, 60 साल या 60 साल से ज्यादा एज है तो उनका कुछ अलग टैक्स है, और अगर किसी की उम्र 80 साल हो गई या 80 साल से ज्यादा होगी तब तो उसका कितना टैक्स लगता है। देखिए आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं, अब यहां लिख दीजिए, अगर जिसकी उम्र 80 साल या 80 साल से ज्यादा है उस पर टैक्स कितना लगता है, उसे आजकल 80 साल वाले बहुत कम मिलेंगे, इसलिए 80 साल वालों को सरकार ने कुछ ज्यादा ही छूट दिया है। देखिए अगर आपकी इनकम 5 लाख या 5 लाख से कम है, जिसकी उम्र 80 साल है उसकी साल भर की इनकम 5 लाख या 5 लाख से कम है, टैक्स फ्री, नो टैक्स,
5 लाख को सरकार ने छूट दे रखा है। अब देखिए कहने का मतलब इनका 5 लाख का लिमिट खत्म हो गया, अगर 5 लाख से ज्यादा हो तो इनको टैक्स देना पड़ेगा। याद के भैया ये 80 साल वालों के लिए है, ये 80 साल 80 साल से ज्यादा। आइए इनका एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए इनका इनकम 9,98,000 है, 95 कर लीजिए 9,95,000, जिसकी उम्र 80 साल है उसका टोटल इनकम दे दिया। मान लिया ने, मान ली उस आदमी ने 1 साल में 9,95,000 कमाया है तो उसको कितना टैक्स देना पड़ेगा। देखिए टैक्स ऑन 5 लाख नो टैक्स। आपने क्या देखा अभी, मैं इसके पहले जो बताया मैं यहाँ 3 लाख लेता था, 3 लाख किसके लिए लेते हैं, जिसकी आयु 60 साल या 60 साल से ज्यादा है, लेकिन 80 साल नहीं है, 80 साल से कम है, तो यहाँ कितना छूट मिलता था 3 लाख का, मैं 3 लाख नो टैक्स था। लेकिन अगर एज 80 साल या 80 साल से ज्यादा होगी तो उसे यहाँ 5 लाख पर नो टैक्स। अभी बचा कितना 9,95,000 में से 5 लाख कर गया तो बचा कितना 4,95,000। इस पर कितना टैक्स रहेगा 20%, कितना हो जाएगा 20%। इन पर 5% टैक्स नहीं लग रहा है, क्योंकि 5% टैक्स कब लगता है, जब इनकम 5 लाख से कम होती, यहाँ पे 5 लाख से ज्यादा है, इसलिए इनके ऊपर 5% का नियम नहीं लागू हुआ, सीधे 20% लगेगा। कितना आ गया ये निकाल लीजिए 99,000, कितना हुआ 99,000, इनका टोटल इनकम आ गया 99,000, टोटल टैक्स कुल टैक्स कितना आ गया 99,000। अब 99,000 पर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस स्वास्थ्य शिक्षा उपकर कितना आएगा 4%, कितना हो गया 4×9=36 3,960 जोड़ दीजिए कितना आ गया 1,02,960। याद कि ये हम बता रहे हैं जिसकी उम्र 80 साल हो या 80 साल से ज्यादा हो उनको कितना टैक्स भरना पड़ जाएगा। ठीक है आइए अभी इनकम 10 लाख से कम था, अगर इनकम 10 लाख से ज्यादा हो तो कितना टैक्स देना पड़ जाएगा। देखिए अगर इनका इनकम 10 लाख ज्यादा हो, आइए कोई एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 18 लाख हो, मान लीजिए 18 लाख हो, देखिए हम जानबूझ के 3 तरह के एग्जांपल ले रहे हैं, एक में 5 लाख या उससे कम है, एक 5 लाख या 5 लाख ज्यादा है, देखिए 10 लाख से कम है और 10 लाख से ज्यादा है, 3 कंडीशन बनते हैं। अगर 10 लाख से ज्यादा है तो क्या नियम लागू हुआ, टैक्स ऑन रुपीज 5 लाख, रुपए का निशान है, ये रुपए का निशान है, कैसा नहीं है ना, 5 लाख पर नो टैक्स, 5 लाख पर नो टैक्स। और फिर कितना निकालेंगे 5 लाख, कितना निकालेंगे 5 लाख, ध्यान दीजिए 18 लाख था, 18 लाख में 5 लाख पर कोई टैक्स नहीं, फिर कितना निकालेंगे 5 लाख, उस पर कितना लगेगा 20%, 20% कितना आ गया ये 1 लाख। अब फिर कितना बच गया टैक्स ऑन रुपीज, कितना बच गया 8 लाख, कितना हो गया ये 8 लाख, इस पर कितना हो जाएगा 30%, 2,40,000 जोड़ दीजिए कितना आ गया 3,40,000। अरे 3,40,000 पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना लेंगे 4%, 4×12 14,600 जोड़ दिए कितना आ गया ये
354,600। ये मैंने बताया 80 साल या 80 साल से ज्यादा उम्र वालों पर कितना टैक्स लगता है। ये लिमिट याद रखिए, अगर किसी की उम्र 80 साल है तो पहले कुल इनकम से 5,00,000 निकाल देंगे, फिर कितना निकालेंगे 5,00,000, फिर जो बचेगा उसे निकाल लेंगे, 5, 5, 10, 8, 18 पूरा हो गया। कितना देना पड़ेगा 354,600। ये हमने तीनों बताया, हमने आपको तीनों बता दिया। अगर 60 साल से उम्र कम है तो कितना टैक्स होगा, 60 साल से ज्यादा एज है लेकिन 80 साल से कम है तो कितना टैक्स होगा, और 80 साल या उससे ज्यादा उम्र है तब कितना टैक्स होगा, तीनों बता दिया।